सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। गुड मॉर्निंग फ्रॉम महाबलेश्वर गाइज, और वी आर बैक अगेन विद अ व्लॉग। मैंने कहा था हम कंटिन्यू करने वाले हैं। कल मैंने व्लॉग में बोला ज़रूर था कि मैं रूम टूर दूंगा, रूम टूर देना भूल गया। सो या लेट्स क्विकली हैव अ रूम टूर। सो गाइज, हियर इज़ द रूम टूर। लास्ट टाइम मैं बताना भूल गया, मैंने व्लॉग एंड कर दिया और मैं रूम टूर देना ही भूल गया। सो बेसिकली दिस इज़ द बेड। वहाँ पे सामने टीवी, ड्रेसिंग टेबल है, वहाँ पे अंदर वॉशरूम है, और ये बेसिकली ऐसा रूम है। ज़्यादा कुछ ज़्यादा है नहीं, आमने सामने ही है रूम्स। यहाँ पे वार्डरोब है और यहाँ पे मस्त मैं कहूँगा व्यू है। यहाँ पे फुल शेती का व्यू है गाइज, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही रूमी है ये रूम और बहुत ही एयरी फील करता है। एंड इट्स रियली प्रेजेंट आउट हियर। सो गाइज, अभी मैं व्लॉग एक्चुअली एडिट कर रहा था, अपलोड भी कर दिया मैंने। इट्स गोइंग टू गो लाइव एट 12 टुडे। सो अभी उसमें सीन ऐसा हुआ है कि कुछ जो क्लिप्स थे, जैसे अंकल के साथ वगैरह जो क्लिप्स थे, वो अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू कट इट आउट बिकॉज वो रेंडर ही नहीं हो रहे थे। बार बार मैंने बहुत सारी कोशिश की, वो देयर वाज सम प्रॉब्लम विद रेजोल्यूशन। आई डोंट नो व्हाट वाज द इशू एग्जैक्टली, बट मोस्टली इट वाज रिलेटेड टू रेजोल्यूशन। तो वो हमको कटआउट करना पड़ा। तो अभी एक्चुअली वो सीन्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, बट मैं क्या करूँ, मुझे कटआउट करना पड़ा। मेरे ख्याल से आपको उतना नोटिस नहीं होगा, बट मुझे कट करना पड़ा था। एनीवेज, अभी प्लान ऐसा है, ये देखो अभी सब ये लोग निकल रहे हैं, तो अभी हम निकलेंगे। मैं भी जस्ट जा रहा हूँ, अभी गाड़ी कोल्ड स्टार्ट वगैरह करनी है, तो मैं भी उसी के लिए अभी जा रहा हूँ। सो अभी मेरे ख्याल से इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आज हम महाबलेश्वर थोड़ा एक्सप्लोर करने वाले। वैसे तो घूम चुका, फर्स्ट टाइम नहीं आया हूँ, बट स्टिल थोड़ा अभी मैप्रो गार्डन वगैरह थोड़ा घूमेंगे। अंकल से एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे कि आज का क्या प्लान है। एंड या गाइज, अभी चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, लेट्स गो। सो गाइज, आवर फर्स्ट पॉइंट फॉर द डे इज़ महाबलेश्वर मंदिर। वहाँ पे आप ऊपर देख सकते हो। वहाँ पे वीडियोग्राफी वगैरह अलाउड तो है नहीं, तो मुझे लगता नहीं ज़्यादा कुछ मैं अंदर दिखा पाऊँगा। हाँ, जाते जाते ऑन द वे जो कुछ रहेगा तो वो दिखाऊँगा। सो येस गाइज, अभी जाते हैं ऊपर मंदिर में और मिलते हैं। द हंटिंग पॉइंट, तो यहाँ पे अलग अलग बहुत सारे पॉइंट है। वहाँ पे नीचे भी है, बहुत सारे पॉइंट है, तो उसमें से एक ये हंटिंग पॉइंट है। तो अभी और आगे जाते हैं और देखते हैं और आगे क्या व्यू है। चॉइस नेक्स्ट इज एको पॉइंट। अभी जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स है, तो अभी मैं सबको दिखाऊंगा। अभी हर एक यहाँ पे बड़बड़ नहीं करूँगा। और यहाँ पे गाइस, अभी यहाँ पे कुछ एकदम टिपिकल निबाल होगा कि भाई समझ जाओ, भाई इधर आके लड़कियों का नाम चिल्ला रहे हैं, भाई ठीक है भाई ये कर लो, भाई तुम लोग मतलब ये कर लो भाई। एनीवेज भाई, हम तो ऐसे सब फालतूगिरी नहीं करने वाले। तो वर्ड एको पॉइंट पे एको आता है कि नहीं वो तो चेक करना पड़ेगा ना बॉस। हेलो भाई, नहीं भाई मेरे आवाज़ में दम ही नहीं है लगता भाई, मेरे से तो एको हो नहीं रहा है। गाइस, दिस इज़ द मालकम पॉइंट। इसको सुसाइड पॉइंट भी बोलते हैं, आप देख ही सकते हो क्यों बोलते हैं ऐसा। बट या दिस इज़ वंस अगेन अ पॉइंट। यहाँ थोड़ा फोटोशूट चल रहा है, तो ये थोड़ा फोटोशूट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या पॉइंट्स हैं। गाइस, दिस इज़ द टाइगर पॉइंट, टाइगर स्प्रिंग पॉइंट। यहाँ पे आप देख सकते हो नेचुरल वाटर आता है, एकदम क्लीन प्योर वाटर यहाँ पे आता है। तो यस, दिस इज़ वन मोर पॉइंट। यस, अब चलते हैं, क्या ही बोलो ज़्यादा इसके बारे में, अब आगे ऊपर चलते हैं। सो गाइस, यू कैन पॉज ओवर हियर। यहाँ पे आप देख सकते हो पॉइंट का क्या चीज़ है। सो यस, लेट्स गेट थ्रू द पॉइंट। और एक बात गाइस, यहाँ पे इतनी धूप है, मतलब आप देख सकते हो राइट ऑन टॉप है सन, स्टिल देख सकते हो पसीना बिल्कुल नहीं आ रहा। इट्स प्लेजेंट, मैं कह ही रहा हूँ। ऑब्वियसली यहाँ पे प्लेजेंट नहीं होगा तो कहाँ होगा, बट यहाँ गाइस इट्स प्लेजेंट। तो मतलब अगर आप दिन में भी यहाँ पे घूमने को आते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिस इज द एलिफेंट और द नीडल्स पॉइंट। अब यहाँ के अगर वो जो पॉइंट पे थे हम, वहाँ पे क्या नाम था उसका, केटर्स पॉइंट ना, केट्स पॉइंट। ओके, केट्स पॉइंट पे जब हम वहाँ पे थे, वो केट्स पॉइंट उसके ऊपर है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये एलिफेंट जैसा लगता है और उसकी जो सूंड रहती है वैसा लग रहा है। तो ये एक और पॉइंट है यहाँ पे गाइस। सो गाइज, अभी हमारे यहाँ पे सब पॉइंट्स घूम के हो गया है। तो अंकल अभी क्या आगे का क्या प्लान है? अभी हम मैप्रो गार्डन जाएंगे। आज का साइट सीन अपना कंप्लीट हो चुका है। मेट्रो गार्डन के बाद में हम जाएंगे लोकल शॉपिंग करने। अच्छा, तो अभी ऐसा कुछ हमारा प्लान है। तो बस अभी सब लोग आ ही गए। तो अभी यस जाते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी टाइम कितना हो गया, मेरे ख्याल से 3 बज के गए ना, यस 3 बज के गए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते एंड लेट्स गेट गोइंग। तो यस गाइस वी हैव रीच्ड मैप्रो गार्डन, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अभी फिलहाल प्लान ऐसा है कि वहाँ पे आप देख सकते हो ये रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पे हम फिलहाल कुछ खाएंगे क्योंकि हमने लंच तो कुछ किया नहीं है। तो अभी हम यहाँ पे खाने वाले, वैसे तो हैवी ब्रेकफास्ट करके निकले थे तो इतनी भूख लगी नहीं थी, स्टिल यहाँ पे थोड़ा कुछ स्नैक्स आइटम खा लेंगे, देन यहाँ पे घूमेंगे पूरा। अभी मैप्रो का गार्डन मैं दिखाता हूँ आपको खाने के बाद, एंड फिर एंड में गाइस वहाँ पे ऊपर, अगर आपको दिख रहा होगा, अभी गोप्रो में तो वाइड में नहीं दिख रहा होगा, बट वहाँ पे ऊपर वहाँ पे शॉपिंग करेंगे ऑफकोर्स भाई। मतलब मेन ये जगह जिस चीज़ के लिए है दैट इज़ ऑफकोर्स शॉपिंग, तो बस वो शॉपिंग होगी। सो मेरी जो बुआ है उन्होंने बोला है कि बहुत अच्छा अच्छा यहाँ पे कुछ मिलता है, सो अभी वो हमारी गाइड बनने वाली है कि यहाँ पे क्या खाना है। तो अभी यहाँ पे ऑर्डर दे दिया है, तो क्या ऑर्डर दिया है? अभी ऑर्डर हमने लिया है अभी फ्रेश स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, बहुत ही यम्मी होता है। एंड नेक्स्ट हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है और उसके साथ हम लोग चीज़ ग्रिल सैंडविच खाएंगे। ओके, तो अभी यहाँ पे पूरा का पूरा मेन्यू बुआ ने सेलेक्ट किया है। यस, बुआ ने सेलेक्ट किया है और आप वो देख सकते हो क्या मूव्स जो आ रहा है, बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है। सो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर दैट, कभी आए और हम लोग कभी खाए। यस एग्जैक्टली, तो अभी मैंने तो कुछ सेलेक्ट नहीं किया, लेट्स सी। मेरे को मतलब दिखने से तो बहुत सही लग ही रहा है, तो टेस्ट भी अच्छा ही होगा। तो यस एक बार आ जाए, उसके बाद यस ये रहा, तो यस खाएँगे और फिर मैं आपको बताता हूँ ये कैसा है। लेट्स गो। मैप्रो गार्डन हो गया है। अब एक्चुअली क्या था, हमने खाया और उसके बाद जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये पूरा शॉपिंग एरिया, तो वहाँ पे शॉपिंग किया। अब सीन वहाँ पे ऐसा था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग थे और फिर थोड़ा उधर कैमरा निकालना, कैमरा एक्चुअली है नहीं गोप्रो ये, बट स्टिल वहाँ पे थोड़ा अजीब लग रहा था, कैमरा निकालना थोड़ा अजीब लग रहा था, गोप्रो ये बट स्टिल थोड़ा अजीब लग रहा था करके मैंने वहाँ पर कुछ शूट नहीं किया। बट वहाँ पर अगर आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से तो क्या ही दिखेगा, बट वहाँ पर शॉपिंग हमने किया। तो अभी वी आर ऑल सेट टू लीव। अभी प्लान अभी तक का तो कुछ फिक्स नहीं है, लेट्स सी, मल्टीपल प्लान्स हैं। अब देखते हैं कौन सा हम चूज़ कर रहे हैं और उस हिसाब से मिलता हूँ मैं आगे और नेक्स्ट डेस्टिनेशन। सो गाइस, अभी इन्होंने जो ये टी शर्ट पहना है ये मैंने इनको गिफ्ट किया था, तो कैसा लगा आपको ये टी शर्ट? थैंक यू वेरी मच फॉर नाइस कलेक्शन, इट इज़ एक्सलेंट, आई लाइक इट, लव इट। ठीक है, सो गाइस वही अभी निकल रहे, वहाँ पे थोड़ा और शॉपिंग कर रहे थे तो वही बचा था। एनीवेज नाउ विल लीव। सो गाइस नेक्स्ट स्पॉट हमने यहाँ पे वेन्ना लेक पे, पीछे देख सकते हो ये पूरा वेन्ना लेक है। और अभी हम यहाँ पे आए हैं बोटिंग के लिए, तो अभी एक्चुअली अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे पीछे, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे पीछे लाइन लगी हुई है, तो अभी बस वो लाइन में ऑलरेडी डैड गए हैं, मैं भी ज्वाइन करूँगा अभी, तो बस वही है, यहाँ पे सब गोप्रो वोप्रो रेडी है। सो लेट्स टेक सम ब्यूटीफुल शॉट्स और एन्जॉय करते हैं, ज़्यादा बकबक नहीं करते क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाउड है। यस, बहुत ज़्यादा लाउड है, मैं और कुछ ज़्यादा नहीं बोलता, मिलते हैं बोट। चलो यस अंकल, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, मजा आ रहा है। यस, ड्राइविंग टुवर्ड्स द हिल, माय वाटर। तो यस अभी हम यहाँ पे वेन्ना लेक में यहाँ पे पैडल बोटिंग कर रहे हैं, यहाँ पे सामने भी बैठे हैं दो जन। यस, हेलो हेलो। अभी ये थोड़ा एंजॉय करेंगे पूरा वेन्ना लेक और फिर इसके बाद क्या प्लान है? घर पे जाना है क्या? घर पे पैर को मालिश करेंगे। अच्छा, इसके बाद, अच्छा इसके बाद मार्केट भी बचा है, तो लेट्स सी कैसे क्या होता है। तो फिलहाल तो एंजॉय करते हैं, तो हम सनसेट पॉइंट, सनसेट इधर से, सनसेट अभी। गाइस नेक्स्ट दिस इज़ द सनसेट पॉइंट। अब यहाँ पे मैंने फिल्म अच्छे से इसलिए नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा रश थी, ऊपर से बहुत ज़्यादा नॉइजी था, बहुत ज़्यादा केओटिक था। सो गाइस फाइनली लास्ट पॉइंट पे आ गए हैं, दैट इज़ द मार्केट। अभी एक्चुअली हम यहाँ पे अभी पार्किंग में, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, अभी अच्छा हो गया। लास्ट टाइम में जब आया था तब यहाँ पे ऐसे पार्किंग वाला ये बन रहा था और अभी ये बन चुका है, तो काफ़ी अच्छा, वरना यहाँ पे पार्किंग का तो बहुत ज़्यादा सीन होता था। एनीवेज अभी हो गया, अभी यहाँ पे क्या शॉपिंग करेंगे और फिर घर जाएंगे और मेरे ख्याल से यहाँ पे दिन खत्म हो जाएगा। लेट्स सी क्या शॉपिंग करते हैं, क्या करते हैं, वो मैं अभी आपको बताऊँ। तो यस गाइस शॉपिंग हो गया, अब मेरे ख्याल से सिर्फ डिनर करेंगे, वो भी एक्चुअली डिनर नहीं होने वाला है, थोड़ा कुछ तो लाइट खा लेंगे। एंड गाइस अभी बहुत थक गए गाइस, मेरे ख्याल से आज का दिन यहीं पे समाप्त करते हैं। व्लॉग खत्म नहीं हो रहा है, व्लॉग कल कंटिन्यू होगा, बट मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही रखते हैं। यस गाइस मिलते हैं कल सुबह, लेट्स गो। सो गाइस गुड मॉर्निंग, ये है नेक्स्ट दिन। अभी अनफॉर्चुनेटली सुबह मैंने होटल से शूट किया था, बट मैं अभी जब यहाँ पे एडिट को बैठा था गाइस, तब मैं देख रहा हूँ कि वो पार्ट अनफॉर्चुनेटली करप्ट हो गए वो वीडियोस। सो एनीवेज गाइस, गेटिंग दैट थिंग्स असाइड, मैं क्या करूँ ये ट्रिप पे दूसरी बार ही ऐसा हो रहा है। सो एनीवेज, तो सुबह मैंने बस यही बोला था कि हमारा प्लान बेसिकली यही है कि आज हम निकलेंगे महाबलेश्वर से, आज हमारा लास्ट डे है वहाँ पे। जाते जाते पंचगनी में कुछ पॉइंट्स देखेंगे, थोड़ा मस्ती करेंगे, गो कार्टिंग करेंगे एंड देन हम चलेंगे वापस घर लंच करके। तो यही प्लान है। एंड उसी के साथ साथ गाइज, अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो महाबलेश्वर, उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स बोले थे, सो मैं वापस एक बार बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको कुछ मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है या नहीं भी है रिक्वायरमेंट, तो भी जो बेसिक मेडिसिन होते हैं वो कैरी कर लो, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल्स इतने फ्रीक्वेंटली मिलते नहीं, आपको बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। सो इट्स बेटर इफ़ यू कैरी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मतलब अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो या वैसा कुछ करने का सोच रहे हो, देन यू आर गोना हैव अ डिफिकल्ट टाइम डूइंग दैट हियर, बिकॉज महाबलेश्वर में रेंज और डेटा का बहुत ज़्यादा इशू होता है। सो वाईफाई अगर होटल वोटल में रहा तो ठीक है, बट वैसे नॉर्मली रेंज का बहुत इशू होता है। सो दैट थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। एंड थर्ड थिंग कैन बी, जो रास्ते हैं यहाँ पे आने के लिए, आने जाने के लिए तो रास्ते अच्छे हैं, बट यहाँ पे प्रॉपर वो घाट चढ़ने के बाद महाबलेश्वर पंचगनी के जो रास्ते हैं वो बहुत छोटे हैं और कुछ कुछ रास्ते भी बहुत कच्चे, ऑफ रोडिंग हो जाता है प्योर। सो उस हिसाब से आपको अपनी गाड़ी को देखना है, मतलब अगर आपकी एकदम छोटी गाड़ी है या इफ़ यू हैव अ सेडान देन यू हैव टू बी केयरफुल। अब ये मेरे ख्याल से इसके अलावा तो कुछ ज़्यादा रहेगा नहीं। एनीवेज गाइज, अभी जाते हैं सीधा, मेरे ख्याल से हमने फर्स्ट किया था गो कार्टिंग, सो अब एक्चुअली जाएंगे थोड़ा पीछे और देखते हैं क्या थे सीन्स आज के दिन के। लेट्स गो। गाइज, अगर आपको यहाँ पे महाबलेश्वर में गो कार्टिंग करना है, सो वेलोसिटी एंटरटेनमेंट जो है वो बेस्ट है। यहाँ पे मैं बताता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे जगहों पे गो कार्टिंग होता है, बट यहाँ पे दो चीज़ें अच्छी है। फर्स्ट इस उसका ट्रैक बहुत अच्छा है, सेकंड मतलब जो गो कार्ट्स जो है, एक्चुअल कार्ट्स जो है बहुत ही वेल मेंटेन्ड है, बहुत ही अच्छे कार्ट्स है। सो आपको चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, बाकी जगहों पे वो केसेस नहीं है। सो इफ़ यू वांट कम हियर, यहाँ पे डैशिंग कार वगैरह भी बहुत कुछ है वहाँ पे आगे। सो अगर आपको गो कार्टिंग करना है, सो वेलोसिटी एंटरटेनमेंट गो कार्टिंग मेरे तरफ से फुल थम्स अप है, आप बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करोगे। एनीवेज, अभी हमारा एक्चुअली जैसे कि मैंने कहा था कि प्लान नहीं था, हमने जहाँ आगे देखा था वहाँ पर बंद था, बट अभी यहाँ पे गो कार्टिंग हो गया। अब नेक्स्ट इज़ हम वहाँ पे पंचगनी में वो जो टेबल पॉइंट है वहाँ जाएंगे, वहाँ पे मेरे ख्याल से कुछ लंच करेंगे एंड देन स्ट्रेट होम। अभी तक का तो ऐसा प्लान है, पता नहीं वापस बीच में अगर कुछ आ जाए तो आ जाएगा। सो गाइज, हम यहाँ पे आ चुके हैं टेबल टॉप पॉइंट पे। अभी एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारे 6-7 पॉइंट होते हैं, ये पूरा टेबल लैंड देखोगे ना आप, बहुत बड़ा है, मेरे ख्याल से 6.5-7 किलोमीटर का पूरा एरिया है। हम लोग तो फिलहाल घूमने नहीं वाले, वहाँ पर नीचे केव्स वेव्स होता है, वहाँ बहुत कुछ है, बट अभी हम यहाँ पे घूमने नहीं वाले हैं। पहले घूम चुके तो अभी यहाँ पे फ़िलहाल घूमने नहीं वाले। तो अभी हमने जस्ट वहीं पे गए हम पीछे और थोड़े फ़ोटोज़ वोटोज़ लिए, थोड़ा टाइम पास किया और अभी गाड़ी हमारी वहीं पे है, हम वापस अब वहाँ जा रहे हैं। सो गाइस, अभी बाकी तो आपको प्लान पता ही है क्या है, अभी लंच करेंगे और फिर घर के लिए रवाना होंगे, जैसे मैं बता ही रहा हूँ पहले। आई डोंट नो गाइज, इज इट जस्ट मी और बहुत लोग होते हैं, बट मुझे गाड़ी गंदी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये तो वाइट कलर है, इसमें तो जितनी ज़्यादा गाड़ी गंदी है उतनी ज़्यादा अच्छी, मतलब साफ़ भी अच्छी लगती है। क्या बोलते हो अंकल? एकदम बराबर। एनीवेज, अभी हम यहाँ पे निकल रहे हैं, अभी टाइम पास नहीं करेंगे, लेट्स गो। ऑल्सो गाइस, ये चतुर्थी रेस्टोरेंट जो है जहाँ पे हम यहाँ पे रुके अभी लंच के लिए, ये भी बहुत अच्छा है। मेन यहाँ पे पीछे देख सकते हो ये जंक्शन है, इस साइड पर सातारा है, उस साइड में पुणे, इधर पीछे महाबलेश्वर पंचगनी। तो ये बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, यहाँ पे जो वॉशरूम भी है वो भी काफ़ी यूजेबल है। तो अगर आप यहाँ से जा रहे हो मेन रोड पे ये ट्राई कर सकते हो, ये एक ऑप्शन आपके लिए बन सकता है। एंड यस गाइज, बैक टू प्रेजेंट टाइम जहाँ पे मैं शूट कर रहा हूँ। सो गाइज, हम यहाँ पे ऑन द वे रुके, ये वाई में एक गणपति का मंदिर है, आप विजिट कर सकते हो। हाईवे से बस मेरे ख्याल से 1 आध किलोमीटर ही अंदर है, बहुत फेमस है ये वाई में गणपति का मंदिर। तो अगर आप मंदिर में, मतलब ऑफकोर्स मंदिर किसको नहीं जाना होता, तो अगर आपको जाना है तो जा सकते हो, नज़दीक ही है, ज़्यादा कुछ दूर नहीं है। तो अभी हमारा सब हो गया है, ये तो लास्ट स्टॉप है फॉर श्योर। अभी मेरे ख्याल से हम बीच में कोई स्टॉप नहीं लेंगे, पेट्रोल वेट्रोल भी भरा लिया है, सीधा मेरे ख्याल से आप पहुँचेंगे घर और वहाँ पर मिलते हैं। सो गाइज, हम फाइनली अब घर पहुँच चुके हैं और उसी के साथ ये व्लॉग खत्म होता है और ये महाबलेश्वर सीरीज भी खत्म होता है। सो इफ यू डिड लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू हिट दैट थम्स अप बटन और कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब तो करना ही करना है गाइज। व्यूज लाओ यार, क्या कर रहे हो यार। एनीवेज विद दैट सेड, बाय बाय, फिर मिलेंगे, चलते चलते।